बाइक ठीक है, फिलहाल उसका नुकसान होता है, अच्छी बात है। चलो देखिए और क्या क्या नुकसान है, लाभ क्या क्या है तुम बता दो, आइए बता दो। यदि हम पॉलीथिन में सब्जी लाते हैं और उसको जलाते हैं तो उसकी धुआं से पर्यावरण प्रदूषित होगा। और बहुत बढ़िया, अच्छा बेटा। और कोई बेटा बताना चाहता है? अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। पॉलीथीन का लगातार हम उपयोग करते रहे तो आगे जाकर के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं, सही कहा। और इसलिए जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि हमारी जमीन में जब यूरिया डीएपी खाद डालते हैं ना, पेस्टिसाइड दवाया जिसको कहते हैं डालते हैं, तो जमीन धीरे धीरे खराब हो रही है। अरे पहले 5 किलो खाद डालते उसमें अच्छी फसल होती थी, अब तो 1 कट्टा डाल देते तो नहीं होता, तो इसकी तबीयत खराब हो। ये धरती माता है कि नहीं है? जब धरती माता की तबीयत खराब हो जाएगी और ज्यादा ही बीमार हो जाएगी तो हमारी माँ बीमार हो जाए ज्यादा ही तुमको रोटी बना के दे सकती है क्या? नहीं देगी ना। ये जब धरती माता की ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाएगी तो ये भी धरती में अन्न पैदा नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। जब धरती में अन्न पैदा नहीं करेगी, उसकी तबीयत खराब हो गई तो कैसे ठीक कराए अपन? अब इसको अस्पताल में तो ले जा नहीं सकते, ले जाओगा खेत उठा के अस्पताल नहीं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि उसमें गोबर का खाद डाले, गौमूत्र डाले, ये होता ना। अब गौमूत्र गाय कहां से आएगी? क्योंकि पॉलीथीन खिला खिला के तो गाय मार दी हम, और डंडा मार करके घर से बाहर निकाल दी। बूचड़ खाने वालों ने देखा कि इधर घूम रही है, कहीं चोरी छुप की गाड़ी को उठा के ले गए, बूचड़ खाने ले गए, काट दिया, खा गए। तो गौ माताएं कम हो रही है कि नहीं? कुछ गौ माताएं जिसको कहते हैं लोग वो है नहीं, चप्पे कंधे वाली गौ माता नहीं होती, वो वर्ण शक्कर औलादे उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका दूध कैंसर करता है, कैंसर की बीमारी करता है। जो कंधा जिस गाय का ऊंचा है वही गौ माता की श्रेणी में आती है, अपनी देसी गाय, तो वो तो मर रही है, बहुत कम हो गई। तो पॉलीथीन खाका के मर रही है, हमारे घर से बाहर निकाल दिया तो मर रही है। तू मर जाएगी तो हम गोबर कहां से लाएंगे, उसका पेशाब कहां से लाएंगे, और नहीं लाएंगे तो हमारे खेत में क्या डालेंगे, और खेत में नहीं डालेंगे तो हमारे फसल कैसी होगी, और फसल नहीं होगी तो भूख के कारण मरेंगे नहीं मरेंगे, चाहे हमारे कितनी बड़ी बिल्डिंग हो 10 करोड़ की, 100 करोड़ का सोना रखा हो, 500 करोड़ की चांदी रखी हो, उसको खाकर पेट भर सकते हैं क्या? नहीं। हमको अन्न ही खाना पड़ेगा, अन्न ही खाना पड़ेगा। तो फिर गौ माता को बचाना नहीं बचाना, तो फिर गौ माता को बचाना तो पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना। जो पॉलीथीन का उपयोग करता है उसके ऊपर गौ माता की हत्या का पाप लगता है। क्या का पाप लगता है? गौ माता की हत्या का पाप लगता है। कौन कौन गौ माता की हत्या का पाप लगवाना चाहता है? मत हाथ खड़ा करो, सब मेल गौ माता की हत्या का पाप लगवाना चाहते हैं। कोई नहीं लगवाना चाहते ना? नहीं। तो गौ माता को कौन कौन जिंदा रखना चाहते हैं? इधर से तो कोई नहीं रखना चाहते, हाथ खड़ा करके बोला कौन कौन जिंदा रखना चाहते हैं गौ माता को? गौ माता को सब जिंदा रखना चाहते। तो आज संकल्प लो, त्याग के बाद किसी भी कीमत पर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। सब्जी लेने जाएंगे तो थैला ले जाएंगे, और नहीं भी ले गए हम थैला तो वापस आ जाएंगे, पर पॉलीथीन में नहीं लाएंगे, भले ऐसे जोड़ी में ले आएंगे, कभी खराब होगी तो हो जाएंगे। इनका उपयोग नहीं करेंगे, नहीं करोगे ना? नहीं। ये बैठे हुए लोग सच में गंगा जी का सुगंध खा के हाथ खड़ा करो, हम नहीं करेंगे पॉलीथीन का उपयोग। पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।